Hey hi guys, मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने घर पर रहकर बॉडी व्हाइटनिंग पील यूज कर सकते हैं, अपने बॉडी के शेड को 2-3 शेड लाइट कर सकते हैं एक सिटिंग में। तो सब लोग के डिमांड था कि सर बॉडी व्हाइटनिंग पील डला है लेस्को मेक पे, बट आप उसका वीडियो तो बना दीजिए किस तरीके से यूज करना है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप घर पर रहकर सेफली उसको यूज कर सकें। गाइज जो बॉडी व्हाइटनिंग पील है तो ये होता क्या है, तो बेसिकली व्हाट इज पीलिंग। तो पीलिंग में हम कुछ इस तरीके से कंपनीज एसिड यूज करती हैं विच इज वेरी माइल्ड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड सम माइल्ड रेंज ऑफ TCA एंड सम स्किन लाइटिंग एजेंट लाइक ग्लूटाथियोन एंड वाइटामिन सी बेस। इसमें जो चीज़ें हैं वो स्किन लाइटिंग का काम करती हैं, साथ ही साथ डेड लेयर को भी रिमूव करती हैं। तो अगर आपके बॉडी में बिकॉज यू कॉन्ट यूज दिस ऑन फेस, ओके, फेस पर आपको यूज नहीं करना, दिस फॉर बॉडी बिकॉज बॉडी स्किन इज थिक, फेस स्किन इज थिन, सो इट्स नॉट फॉर फेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो जब आप यूज करें आपको अनइवन टेक्सचर है, स्किन टोन अनइवन है, डेड लेयर एक्यूमुलेटेड है, थिक स्किन है या आपको टैनिंग हो चुकी है, तो आप इसको यूज कीजिए। वंस अ मंथ आपको इसको अप्लाई करना है, वंस अ मंथ आपको इसको यूज़ करना है। आपको 2 या 3 बार ही यूज़ करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट सेटिंग में ही रिजल्ट दिख जाएगा, 1-2 शेड लाइट हो जाएगा फर्स्ट सेटिंग में मिनिमम, और किसी किसी को तो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है। डिपेंड करता है मेंटेनेंस के ऊपर, यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एंड सम नाइट पैक आफ्टर अप्लाइंग दिस, ओके। और साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ ओरल सनस्क्रीन लाइक यूवी चेक, सम ओरल सनस्क्रीन यू हैव टू ऑलवेज यू हैव टू टेक। ये ओरल सनस्क्रीन हमें क्यों लेना चाहिए, बिकॉज ये आपकी फुल बॉडी को धूप के डैमेज से बचाती है। जब हम कोई फिजिकल सनस्क्रीन लगाते हैं तो फिजिकल सनस्क्रीन 1.5-2 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है, और आपके पास तो टाइम नहीं होता है हमारे पास आज की डेट में कि हम बार बार सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें हर 1.5-2 घंटे में, बिकॉज जब हमारी स्किन में पसीना आता है, ओजिंग होती है, तो वो रिमूव हो जाता है। तो ये फिजिकल सनस्क्रीन के साथ साथ आपको ऐड करना है, यू हैव टू टेक दिस ओरल सनस्क्रीन अलोंग विद फिजिकल सनस्क्रीन। अलोंग फिजिकल सनस्क्रीन नहीं, आपको साथ में ये भी लेना है ताकि फुल बॉडी आपके धूप के डैमेज से 6-7 आवर्स तक बची रहे, ठीक है। ये तो ये हो गया, सुबह सुबह आपको लेना है, खाली पेट नहीं लेना, आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है 2 टैबलेट एक साथ। अगर 40 kg के ऊपर वेट है तो 2 टैबलेट एक साथ खाना है, और आपको डेली खाना, जिस दिन खाएंगे उस दिन असर होगा, जिस दिन नहीं खाएंगे उस दिन असर नहीं होगा, ओके। अभी करना क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो के बाद, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको दिखाऊंगा यूज़ करते हुए और कैसा यूज़ करना है वो सब चीज़ दिखाऊंगा, बट अभी आपको मेंटेनेंस की थोड़ा और बता दूं। इसके साथ आपको अगले दिन जब आप यूज़ कर चुके होंगे, इसके बाद आपको मेंटेनेंस की बारी आती है, तो ये बॉडी व्हाइटनिंग ऑयल आता है, इट्स वेरी गुड बॉडी व्हाइटनिंग ऑयल है। इसकी पतली लेयर को आपको डेली नाइट पर अप्लाई करना है, और इंस्टा ब्रेड पैक की लेयर को उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये पील आपकी डेड लेयर को रिमूव करेगा, तो जो थिक लेयर है, पिगमेंटेशन फंसे हुए हैं स्किन के लेयर में, वो सब रिमूव होंगे, साथ ही साथ न्यू पिगमेंट ना बने और उसको और हेल्दी ग्रोइंग स्किन आए, उसके लिए ये सब चीज़ें, तो ये आपके फर्दर मेंटेनेंस की चीज़ है। ये आपको जब तक ट्रीटमेंट चाहिए तब तक आपको फॉलो करना है। ओरल सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ चाहेंगे तो आप ये इंस्टाबेट के ग्लूटाथियोन कैप्सूल भी आता है, इट्स वेरी गुड। 10,000 का बॉक्स आता है, इसमें 1,000 mg का ग्लूटाथियोन होता है टैबलेट फॉर्म में, जो कि 2 महीने का डोज है। 10,000 आपको 2 महीने का डोज मिल रहा है, याद रखिएगा, इट्स 2 मंथ डोज, विच इज 1,000 mg का एक कैप्सूल है, और उसके अंदर 60 कैप्सूल्स होते हैं विटामिन सी के, 60 कैप्सूल है ग्लूटाथियोन के, और भी 2-3 इंग्रेडिएंट है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्लूटाथियोन एंड विटामिन सी है। बाकी मार्केट में जितने ग्लूटाथियोन कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में आते हैं वो सब 600 mg, 600 mg के हैं वो, ये 1,000 mg डबल स्ट्रेंथ है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये 2 मंथ का कोर्स है 10,000 में। डिस्काउंट चलते रहता है, डिस्काउंट आप देख लीजिए, ऑफर आते रहते हैं उसमें परचेस कर लें तो और अच्छा, डिपेंड करता है। तो ये आपके अंदर से बॉडी को व्हाइट करेगा, लाइट करेगा, पिगमेंटेशन हटाएगा इनसाइड से, ये आपके डेड लेयर को रिमूव करेगा, तो जो एक्चुअल पिगमेंट आ चुके हैं ये उसको रिमूव करेगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, बॉडी व्हाइटिंग जो होता है कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, आपको एकदम व्हाइट नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहोगे तो एकदम ऐसे व्हाइट हो जाओ तो नहीं होगे, यू बिकम लाइट, 2-3-4 शेड लाइट हो जाएगा इससे। और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर सम इंजेक्शंस, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन होते हैं, और भी ट्रीटमेंट होते हैं, वो आपको और 1-2 शेड लाइट कर देगा, बट अगर आपको इनसे फॉलो करना है तो और ये जादू की छड़ी नहीं, मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा जाके काले हो जाओगे तो फिर वापस आपको ये करना पड़ेगा फॉलो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम इधर चले गए उधर चले गए मेंटेन नहीं कर पाए, तो ऑफकोर्स बट टैनिंग तो आएगी, दैट्स नेचुरल। तो गाइज इसके बाद जो वीडियो आने वाला है कैसे अप्लाई करना है मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, तो वेट करो इसके बाद का। ओके, तो इसमें हम बॉडी पील करेंगे फॉर बॉडी व्हाइटनिंग, और इसमें जितनी भी डेड लेयर होती है उसको रिमूव करेंगे थ्रू द सॉल्यूशन। और अगर आपके बॉडी में एक्ने मार्क्स हैं लाइक दिस, या डेड लेयर एक्यूमुलेटेड है, या टैनिंग है हाथों में आप देखेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे और फिर इसको हम धीरे धीरे रिमूव करते हैं। तो महीने में एक सेटिंग होती है, यू हैव टू डू वंस अ मंथ,
और किस तरीके से करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं। इसमें सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं, पूरे हाथों की क्लीनिंग होती है। ये हम स्प्रिट से या एसीटोन से कर सकते हैं, इसको कहते हैं डीग्रीजिंग। जितना भी ऑयल वॉयल होता है स्किन में वो उसको रिमूव करें, ताकि जो हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं बॉडी वाइटिंग का वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए और इवनली एब्जॉर्ब होकर रिजल्ट दे। तो ये बॉडी वाइटिंग पील है, उसको हम एक क्लॉथ बाउल में लेंगे। ये डार्क कलर भी हो सकता है, लाइट कलर भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंगली वो चेंज करता रहता है अपने कलर को। तो अगर ये लाइट कलर है तो भी ठीक है, डार्क कलर है तो भी ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। इसको हम जब भी अप्लाई करते हैं हम इसको गॉज पीस से अप्लाई करते हैं। आपको सिंपल सा इसको लेना है, इसे निचोड़ना है और एक ऐसी लंबी सी लेयर लगाना है, एक लेयर लगाना है, ओवरलैप नहीं करना है। लगा के 5 से 10 मिनट इसको छोड़ना है। ये 7 ml की वायल में आता है, 7 ml कंटेंट होता है इसमें जो बॉडी वाइटिंग पील है। इट्स वेरी सिंपल, सिंपल इसको लगा के थोड़ा ड्राई होने का वेट करेंगे। अभी मैंने इसमें एक लेयर लगाई है और थोड़ा इचिंग होगा, धीरे धीरे पेशेंट को फील हो सकता है। अगर आप घर पे खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए एक बार में एक ही लेयर लगा के 5 मिनट का वेट करना है, उसको ड्राई होने का वेट करना है। इचिंग होगी, बर्निंग होगी, सब चीज़ें नॉर्मल है, उसमें आपको डरना नहीं है। बहुत ज़्यादा लेयर नहीं अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई नहीं करना है, सिंपली लगाना है और उसको लगा के छोड़ देना है, उसको सूखने का समय देना है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आप एक लेयर और अप्लाई कर सकते हैं और 5 मिनट फिर वेट करना है। माइट बी स्लाइटली वाइटनिंग, वाइटनेस से फ्रॉस्टिंग दिख रही है, वेरी नॉर्मल है, ये होना है, इसका मतलब एंड पॉइंट है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एसिड्स जो कि BHA और इसमें बहुत सारे अलग अलग AHA BHA डिफरेंट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है जो डेड लेयर को रिमूव करता है। जो डेड लेयर रिमूव होती है तो टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन सर्फेसिस है, वो सब साफ हो जाते हैं। जब पिगमेंटेशन साफ होंगे तो कलर भी साफ होना चालू हो जाता है। मेंटेनेंस में आपको सनस्क्रीन और नाइट क्रीम अप्लाई करना है फेस पे, और अगर आप बॉडी पे कर रहे हैं तो आपको इसमें इंस्ट्रावेट पैक अप्लाई करना है, बॉडी वाइटिंग ऑयल लगाना है मेंटेनेंस के लिए। तो दिन में सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप ओरल सनस्क्रीन भी ले सकते हैं, और कोशिश करें गर्मियों के समय में तो बहुत ज़्यादा धूप में बाहर ना निकले विदाउट सनस्क्रीन। और अगर आप बॉडी एरिया लेग्स कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, हैंड कर रहे हैं, तो बैक तो फिर भी कवर रहता है, हैंड्स को अगर कर रहे हैं तो हैंड को ज़्यादा आपको कवर करके रखना पड़ेगा। अभी मैं इसमें एक और लेयर लगाने जा रहा हूँ और ये माइट बी लास्ट लेयर रहेगी, बिकॉज इनका ऑलरेडी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ये जितने भी एक्ने के स्पॉट्स होते हैं, जो भी छूट जाते हैं या स्कार्स मार्क्स होते हैं, वो सबको रिमूव कर देती है। एक सेटिंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक 7 ml का ये जो वाइल आता है वो एक आप उससे फुल बैक कर सकते हैं, या तो दोनों हाथ कर सकते हैं, या तो चेस्ट कर सकते हैं, एक कोई भी पार्ट आप उसको यूज कर सकते हैं, या उसको आप दोनों लेग में भी यूज कर सकते हैं। आपको भी दिखाऊंगा बैक करने के बाद उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, और फिर मैं हैंड भी करके दिखाऊंगा आपको। आपको याद रखना, आपको मेंटेन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सनस्क्रीन रेगुलर लगाना पड़ेगा। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो टैनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब डेड लेयर निकलती है तो वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको उसको सनस्क्रीन लगा के आपको मेंटेन करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कॉटन में डिप करना है पानी के साथ, और फिर इसे हल्का सा वाइट अगर दिखना है तो आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको दिख रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करते जाओ, ठीक है। थोड़ा वेट करना है, ड्राई होने का वेट करना है, बर्निंग हो सकता है, जलन हो सकती है, ये सब चीज़ नॉर्मल है। हल्का सा न्यूट्रलाइज करो जहाँ ज़्यादा दिख रहा है। तो हम नॉर्मल पानी से उसे डाल के पूरे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और उसके बाद पेशेंट को वॉश करने के लिए या नहाने के लिए बोल देंगे कि आप पूरा अच्छे से उसको वॉश कर लो, नहा लो पानी से।
तीन चार दिन में स्किन निकलना चालू होगी, डेड लेयर निकलना चालू होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डेड लेयर निकलती है। आपको अप्लाई करना है खूब सारा मॉइस्चर का ताकि वो इजीली निकल जाए। डेड लेयर निकलने के उसको खींचना नहीं है। तो हम अभी तीन चार दिन में उसको देखेंगे कि कैसे कैसा रिजल्ट आएगा। तो ये 7 ml का बॉडी वेटिंग सॉल्यूशन है, इसको हम हाथों के लिए यूज करेंगे। एक वायल दोनों हाथों में आ जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस लेंगे, इसको गॉस पीस को लेके और फिर अप्लाई करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करके लगाना है। अगर डार्क एल्बोज है या कुछ है तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो जो थिक पार्ट होते हैं वहाँ पे हम थोड़ा अप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें वेट करना है 5 से 10 मिनट का लगा के। ये थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता तो यहाँ पे थोड़ा कम लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा थिक एरिया में थोड़ा लगा सकते हैं। ज़्यादा जिस तरीके से कई लोगों की ऐसी स्किन थिक हो जाती है, गंदी सी मोटी सी लेयर हो जाती है, धूप में जल जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम कई लोगों के चेहरे बहुत अच्छे होते हैं बट बॉडी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है धूप में घूम घूम के, लोग केयर नहीं करते हैं फिर। सो ये आफ्टर 4 days ये है, आप ये देखेंगे डेड लेयर निकल रही पूरी। ये डेड लेयर थी, पहले कलर ऐसा था और निकलने के बाद कलर लाइट होता जा रहा है। ये पूरा आपको ऐसे रिमूव नहीं करना, मैं आपको रिमूव करके दिखा रहा हूँ बट रिमूव नहीं करना है, बट ये पूरी रिमूव हो जाती है। आपको मॉइस्चर अच्छा लगाना है, खूब सारी सनस्क्रीन लगाना है। तो ये पूरी डेड लेयर निकल जाएगी और जो पिगमेंटेशन है वो भी रिमूव हो जाएंगे। अभी ये डेड लेयर निकलना बाकी है यहाँ पे इस एरिया में और ये पूरा साफ हो जाएगा। ये आप देखो यहाँ पे भी डेड लेयर निकल रही है। सेम इस हाथ में भी आप देखिएगा, दूसरे हाथ में यहाँ पे डेड लेयर निकल चुकी है, तो कलर साफ हो गया। पहले कलर थोड़ा डार्क था, ये कलर इतना डार्क था, अभी पूरा निकल के लाइट होता जा रहा है। एक महीने में एक सेटिंग करनी है, एक सेटिंग में 2 से 3 शेड लाइट होता है और ऐसा डिपेंड करता है कितनी स्किन थिक है, उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आता है। ये पूरी हाथ की लेयर डेड लेयर निकलेगी और फिर धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जब आप सीख चुके हैं कि इसको अप्लाई करने का तरीका, मैंने आपको बता दिया है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपको क्लीन करना है बॉडी के पार्ट्स को, जिस भी बॉडी पार्ट में कर रहे हैं, फ्रंट चेस्ट में कर रहे हैं, हैंड में कर रहे हैं, लेग में कर रहे हैं, बैक में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। ये 7 ml का शीशी आती है इसके अंदर, ये बड़ी शीशी है बट इसके अंदर जो लिक्विड है वो 7 ml होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा आधी शीशी 7 ml ओनली। ओके, ये दिस वन डोज इज सफिशिएंट फॉर बोथ दी हैंड और यू कैन अप्लाई ऑन बोथ दी लेग्स और फ्रंट चेस्ट और बैक। ओके, ये आप किसी भी पार्ट में, एक पार्ट में अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर जब टाइमिंग हो जाए तो उसको प्रॉपर क्लीन करना है
सिंपल सी चीज़ है, आपको दो या तीन किट यूज़ करना पड़ सकता है बहुत अच्छे ड्रास्टिक चेंज के लिए। एक सेटिंग में रिजल्ट दिखेगा बट एकदम से वो नहीं आएगा। और दूसरी बात, प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पहले मैसेज कर दीजिएगा। और दूसरी, आपको मिलेगा कहाँ पे, सब मिलेगा आपको www.lescomic.com पे, वहाँ पे जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। और मैं लिंक नीचे डाल दूंगा उन सब चीज़ों की, आप वहाँ पे जाइए परचेस करिए और चमक जाइए। ये ट्रीटमेंट अगर आप किसी भी क्लिनिक या किसी भी पार्लर में जाके कराएंगे तो ये ट्रीटमेंट आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये एक सेटिंग का ले लेंगे इजीली। सप्लाई यही किट होती है जो कि 10,000 की आती है, बट ये आपको किसी भी पार्लर में आराम से 40 से 50 हज़ार का सेटिंग करेंगे सिर्फ इससे। तो क्यों जाना यार, क्यों पैसा वेस्ट करना, मैं हूँ ना आपके पैसे बचाने के लिए। मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दूंगा, आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा, सस्ते घर में रह के आपको यूज़ करवाऊंगा, आप घर में रह के पैसा बचा के मुझे थैंक्स जरूर बोलिएगा। और कभी अच्छा लगे तो मुझे चाय पिलाइएगा, मैं आपसे कभी मिला करता हूँ, हमारी चाय बहुत पसंद है मुझे। चलो भाई, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरी आई डी डॉक्टर अरविंद गुप्ता, सी यू देयर।